नेशन न्यूज इंडिया 24 में आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आप समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जश्न आज़ादी के पेश नज़र आज बहराइच में सूबे की मशहूर व मारूफ इस्लामी तालीमी इदारा मदरसा नूरुल उलूम की जानिब से कारी जुबैर अहमद कासमी की निजामत में एक अजीम शान तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें भारी तादाद में मदरसे के बच्चों व उस्ताद के अलावा जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चंद और उनके दीगर अफसरान भी शामिल रहे। आपको बता दें कि मुल्क की आज़ादी के आज 75 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न का माहौल है और इसी के क्रम में चल रहे अमृत महोत्सव की जानिब से इस तरीके के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। हमारे मदरसे के अकाबरीन, हमारे मदरसे के जिम्मेदारान मौलाना सलामतुल्लाह बेग साहब और मौलाना करीमुल्लाह साहब नूरी, इन लोगों ने बड़ी परेशानी, बड़ी मशक्कत उठाई, जेल की सोबतें, जेल की मशक्कतें इन्होंने बर्दाश्त की और कैद बा मशक्कत की मुसीबत बर्दाश्त की और इन लोगों ने बड़ी बड़ी सजाएं जो है बर्दाश्त की और इन लोगों ने, हमारे वालिद ने तो घंटा घर में खड़े होकर के बयान दिया और तकरीर किया अंग्रेज़ों के खिलाफ और कहा कि इनके फौज के अंदर कोई शख्स जो है वो कोई अपना आदमी दाखिल न करे और इनका जो है जो कपड़ा आता है उसको कोई शख्स न खरीदे। भरे मजमे के अंदर उन्होंने बयान दिया और उसके बाद ही फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कैद बा मशक्कत हुई, बहुत मुसीबतें उठाई हमारे अकाबरीन ने, मदरसा उलूम के अकाबरीन ने, और इसलिए जो है उन्होंने यही सोचा अपनी ज़िंदगी में कि हमारे ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा कारनामा होगा, हम हर कीमत के ऊपर, चाहे हमारी जान रहे, चाहे हमारी जान जाए, चाहे हमको फांसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस भारत को आज़ाद कराना है अंग्रेज़ों के चंगुल से, अंग्रेज़ों के जुल्म और इस्तेमाल से हर कीमत के ऊपर आज़ाद कराना है। इसीलिए उन्होंने जो है ये सब मुसीबतें बर्दाश्त की और गांधी जी के कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने कामयाबी हासिल की। तिरंगा यात्रा के अवसर पर जो मदरसा नूरुल्लूम के बच्चों ने जो है बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा भी नगर क्षेत्र में निकाली है, सीओ साहब भी उसमें सम्मिलित थे, आज आपको कैसा लग रहा था? और क्योंकि इस मदरसे के अकाबरीन का, जिम्मेदारों का स्वाधीनता आंदोलन में बहुत बड़ा रोल रहा है, आप कैसा महसूस? जैसा भी कारी जुबैर साहब ने मदरसे की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान उनके जिम्मेदार लोगों ने तत्समय किस प्रकार से संघर्ष करते हुए भारत की आज़ादी दिलाने में अपना
सहयोग किया। मुझे गौरव है कि जनपद बहराइच में इस प्रकार के मदरसे हैं जो राष्ट्रीयता के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना अच्छा भाव रखते हैं, और सदैव उनकी कोशिश रही है कि हमारे मुल्क के लोग सब लोग मिलकर एक साथ रहें। मुझे प्रसन्नता है कि पूरे जनपद के अन्य सभी लोगों ने जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा में अपनी शिरकत की, अपनी सहभागिता दी है, आज मदरसा दारुल उलूम के जिम्मेदार लोगों ने अपने समस्त छात्रों के साथ अच्छी तिरंगा यात्रा निकालकर इस भाव को प्रदर्शित कर दिया है कि मुल्क की तरक्की और तरक्की के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करते हुए और राष्ट्र को पूरे विश्व में अग्रणी बनाएंगे। भारत माता की जय।